जय हिंद प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में दोस्तों बात करने जा रहे हैं, अगर आप 12th पास हैं और दिल्ली में नौकरी लेना चाहते हैं, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस एंड रेस्पिरेटरी डिजीज के अंतर्गत रिक्रूटमेंट नोटिस आउट हुआ है, जिसमें कि चार अलग अलग टाइप की पोस्ट बताई गई है। पहली पोस्ट है जूनियर मेडिकल ऑफिसर की, लैब टेक्नीशियन की, डेटा एंट्री ऑपरेटर की और फील्ड वर्कर की। ये चार अलग अलग पोस्ट आउट हुई है, जिसमें आपका कोई भी एग्जाम कंडक्ट नहीं होगा, डायरेक्टली आपका इंटरव्यू कंडक्ट होगा। अगर आप रोजगार सर्च कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट सर्च कर रहे हैं, तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है, जिसमें आपको कोई भी एग्जाम कंडक्ट नहीं होने वाला है, डायरेक्टली इंटरव्यू होने वाला है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना, सबके साथ शेयर जरूर कर देना। चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को, अपने चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर कर देना। तो बेसिकली दोस्तों, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस एंड रेस्पिरेटरी डिजीज ये अंतर्गत में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दिल्ली के अंतर्गत आता है दोस्तों। तो बेसिकली ये जो पोस्ट आउट हुई है चार अलग अलग टाइप की, ये प्रोजेक्ट के तहत आउट हुई है, ये परमानेंट पोस्ट नहीं है, तो कंफ्यूज बिल्कुल ही मत होना, ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस जॉब है। तो इसको अप्लाई करने का मैं आपको कुछ तरीके बता देता हूं, क्या क्या इसमें प्रोसेस अपनाना है। तो वीडियो को अच्छी तरीके से देखना, समझना और फिर डायरेक्टली इंटरव्यू देने चले जाना दोस्तों। तो एडवर्टाइजमेंट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सबसे पहले आपको क्या करना है वो रीड आउट करना है फॉर फर्दर क्लेरिफिकेशन के लिए। उसके साथ साथ बात करते हैं डेटा एंट्री ऑपरेटर पोस्ट के बारे में। तो इसमें मेंशन किया गया एजुकेशन क्वालिफिकेशन के कॉलम में, तो 12th पास आप होने चाहिए, 12th विद साइंस। देखिए दोस्तों, अगर आपने जब 12th पास की थी तो आपके पास साइंस के सब्जेक्ट थे, तो आप इसमें एलिजिबल रहेंगे। ऐसा नहीं है कि आर्ट्स के या कॉमर्स के स्टूडेंट इसको अप्लाई कर सकते हैं, नहीं, तो इसको साइंस के, तो इसको दोस्तों साइंस के ही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं इसमें अगली क्वालिफिकेशन दे रखी है कि भाई डिसिप्लिन में, यानी कि डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। अब देखिए इसमें कंफ्यूज बिल्कुल मत होना कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन में सिर्फ और सिर्फ 12th विद साइंस मांगा गया है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन किसी भी पोस्ट को अप्लाई करने के लिए मस्ट होती है, लेकिन डिजायरेबल क्वालिफिकेशन किसी भी पोस्ट को अप्लाई करने के लिए प्रेफरेंस, यानी कि प्रेफरेबल होती है। इसी के साथ साथ 28 साल आपकी ज्यादा एज होनी चाहिए। सैलरी की बात करो तो 17,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से आपको सैलरी मिलेगी। अगली पोस्ट की बात करते हैं, फील्ड वर्कर पोस्ट का नाम है, इसमें भी 12th विद साइंस सब्जेक्ट आपके होने चाहिए। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन एज जैसे कि मैंने आपको बताया डेटा एंट्री ऑपरेटर के तहत ही है, और इसमें एज की बात करो तो 30 साल ज्यादा एज होनी चाहिए। सैलरी की बात करो तो 18,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से आपको सैलरी मिलेगी। तो ये दो पोस्ट मैंने अलग अलग आपको बता दी दोस्तों। अब जो दो है, लैब टेक्नीशियन और जूनियर मेडिकल ऑफिसर की, ये जो है टेक्निकल पोस्ट है, तो उसका लिंक आप मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, डायरेक्टली आप उसको रीड आउट कर ले।